अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सुबह सुबह हमारे एक सब्सक्राइबर भाई आए थे, उन्होंने ना ये मुझे थैली दी है। वो थैली में से भाई एक चूजा निकल भी चुका है, वो भाग गया यार, उसे जल्दी पकड़ता हूँ पहले मैं। दोस्तों उन भाई ने तो ये बताया कि अपने कंधे पर बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता, देखते हैं यार। ओ भाई साहब दोस्तों, ये तो वाकई टेम निकला है, ओ पागल तो नहीं दोस्तों, ये मारता भी बहुत है। दोस्तों मुझे लगा यार वो ऐसी मजाक कर रहे होंगे, लेकिन ये वाकई जो है ना टेम है चूजा। ओए होए होए दोस्तों, ये वाला चूजा जो है ना बहुत शरारती है, लेकिन मैं पहली दफा सुना है कि भाई कोई चूजा भी टेम हो सकता है। ये देखो भाई साहब, दोस्तों मुझे तो ये चूजा बहुत पसंद आया है और आज से यार ये मेरा पार्टनर है। दोस्तों इस चूजे को तो मैंने अभी उतार दिया, बेचारा अपने ना फैमिली को मिस कर रहा था। तो अभी ओए ये क्या हुआ है दोस्तों, हमारे मुर्गे को पता नहीं क्या हुआ है। दोस्तों पहले ही मुझे इसकी हालत सही नहीं लग रही थी, आज इसके ना टांगों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मरने वाला था। ये देखें अभी किस तरह जो है ना चल रहा है, ये देखें। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है अपने मुर्गे को हलाल कराएं या इसे बेचें, बाकी आप लोग जो कमेंट में बताओगे ना हम वही करेंगे। ओए ओए अब तुमने नहीं लेना, ये काम ख़राब कर दिया, खुद तो खाना नहीं होता दूसरों को भी नहीं। आटा किधर गया, वो देखो जी शाबाश। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ चूजे हैं, ओए दोबारा खींचे भाग गए। अब दोस्तों मैं अपने पार्टनर को भी खिलाऊंगा। ओए दोस्तों सारा ये खा गई है हमारी मुर्गी, अब क्या बचा है ये भी खा लो तुम। यार बेचारा हमारे पार्टनर को कुछ भी नहीं मिला। यार आज जो है ना मैं अपने कबूतरों को भी खोलने लगा हूँ। आजो आजो यार तुम लोग भी, अभी देखना दोस्तों अभी बाहर आएंगे यार, बल्कि बंद ही कर देता हूँ, मुझे डर लग रहा है यार। दोस्तों असल में ना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि जिस दिन ये उड़े थे ना दो दिन वापस नहीं आए थे, तो अभी मुझे डर लग रहा है कि यार एक दिन और रुक जाता हूँ, कल इंशाल्लाह इनको जो है ना हम आज़ाद कर देंगे, फिर इनकी अपनी मर्जी होगी वापस आना है या उधर ही रहना है। अभी चलो अंदर ये आज़ादी से घूम सकेंगे। और यार जिसने भी मुझे गिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच भाई साहब, जो भी मुझे यार गिफ्ट मिलता है ना मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता, मैं सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये रहा दाना, अब ये जो है ना दाना मैं अपने चूजों और मुर्गियों को डाल देता हूँ। बड़ी अच्छी बच्ची है यार, ये लो चूजो तुम भी खाओ। दोस्तों एक बैड न्यूज़ है, हमारे जितने भी चूजे हैं ना पांच जो आज भी मुझे दो मिले हैं, उन सबको मिला के ना हमारे पास तीन मुर्गे हो जाएंगे और सिर्फ दो ही उनमें से मुर्गी हैं। दोस्तों अभी मेरे पास ना एक आइडिया आया है, मैं ना अपने सारे तोतों को ना मास्टर रूम में छोड़ देता हूँ खुला, देखता हूँ वो उड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब तो वैसे भी बड़े हो गए हैं। सबसे पहले अपने ना कबूतरों को बंद करते हैं, फिर अपने सारे तोतों को ना मास्टर रूम में ऐसे खुला छोड़ देंगे। अंदर चलो यार, ये सारे मुर्गी के काम है, इतना बाजरा जाया करिए, अब नहीं इसको मिलेगा, बस इसी में गुजारा करे। तो यार अब टाइम आ गया अपने तोतों को खोलने का, आजो भाई आजो, शाबाश शाबाश आजो आजो। दोस्तों मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर एक डव आई हुई है, अगर मैं इसे पकड़ने जाऊंगा तो ये तो उड़ जाएगी, तो ऐसा करते हैं अपने तोतों को ही पकड़ते हैं फिर। दोस्तों इनको पकड़ना ही बहुत मुश्किल है, हाथ में नहीं आ रहा, पकड़ा गया है थोड़ा बहुत। दोस्तों फाइनली जो है ना एक तोता है, ओए यार इसके सारे पर टूट गए मेरे से। दोस्तों ये मैं चाह नहीं रहा था, ये मेरे से गलती हो, लेकिन गलती से जो है ना इस बेचारे की जो पूंछ है ना वो सारी टूट गई है यार। दोस्तों हमारे सारे तोते ना बाहर आ गए हैं, सिर्फ एक तोता अंदर है, और बाहर जो है ना अभी मैं इनको दाना भी डाल देता हूँ। उड़ी जा रहा है, उड़ी जा रहा है यार, सारे तोतों को मैंने अंदर डाल दिए, और अभी जो है ना अपने परिंदों को चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं। ओए यार दोस्तों मुर्गे की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरा तो दिल कर रहा है यार आज ही इसे जो है ना हम वापस करवा दें या इसे हम हलाल करा दें, तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर मैं जो ना अगला एक्ट करूँगा। ये देखो यार क्या कर रहा है ये, दोस्तों इसकी आंखें तो खुली रहती है लेकिन दूसरी आंख जो है ना जो इसके फाइट के वक्त लग गई थी वो बंद हो जाती है बार बार, और इसके टांगों में भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है। इसे जो है ना बाहर निकाल कर मेडिसिन वाला पानी देता हूँ पहले। दोस्तों ये वाला जो है ना दवाई वाला पानी है, और ये हमारे मुर्गे को सही करेगा। दोस्तों मैंने अपना हथियार ले लिया, मुर्गे को बाहर निकालते हैं, बहुत ही ढीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही सुस्त होके बैठा हुआ है। शाबाश,
दोस्तों मुर्गी ने तो ये वाला पानी पी लिया, अब देखते हैं मुर्गा पीता है या नहीं। दोस्तों इसने सही नहीं होना, ना ही मेरी बात सुन रहा है, ना कोई चल फिर रहा है सही से। तो ऐसा करें यार, इसे हम ना आज ही इसका काम ख़त्म करते हैं, जो भी करना है ना आज ही होगा इंशाल्लाह। यार पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये जो है ना ज़्यादा ही ढीला हो गया है। ये ऐसा करता हूँ, पानी ना इसके आगे रख देता हूँ, फिर शायद पी ले। दोस्तों मैं आप लोगों से पिछले व्लॉग में कह रहा था कि हमारा जो है ना नया हाउस बनेगा इस जगह पर, तो यार वो वाकई आज ही हम जो है ना सामान ले आएंगे हाउस का, और फिर जो है ना उसको हम बनवाएंगे। लेकिन इस बार जो हाउस है ना वो मैं खुद नहीं बनाने वाला, वो मैं किसी भाई से बनवाऊंगा, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो कल जो है ना मैंने उसका डिज़ाइन देखा आया हूँ, तो आज इंशाल्लाह हमारे हाउस का काम जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों एक सरप्राइज़ भी है, वो जब हाउस बनेगा ना तभी वो सरप्राइज आएगा। बाकी यार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। यार फाइनली हमारा मुर्गा जो है ना दाना भी खाने लग गया है, अब मुझे उम्मीद है यार जल्दी सेट हो जाएगा। ओह इतना ज़्यादा इसने पानी गिरा दिया, यही इसकी बीमारी है यार, एक आंख से जो है ना सही देख नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे वाले मुर्गे ने ना इसके आँख पर अपना कील मारा था। दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। यार ये दोबारा उतर गया। दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। और ये वाकई टेम है भाई साहब, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।